हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की भी वीडियो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, काफी नॉलेजेबल है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने किसी बैंक से या तो एनबीएफसी कंपनी से कोई होम लोन लिया हुआ था एंड अब आपने अपने होम लोन का जो भी मंथली ईएमआई था वो सारा ईएमआई अब आप पे कर चुके हैं, यानी कि अब आप अपने होम लोन को क्लोज कर चुके हैं, तो यहाँ पे दोस्तों अपने होम लोन का सारा मंथली ईएमआई पे करने के बाद में, अपने लोन को क्लोज करने के बाद में पांच कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होना ही चाहिए, ताकि फ्यूचर में आगे चल के जो आपके घर का होम का ओनरशिप है वो आपके पास में प्रॉपर तरीके से होना चाहिए एंड फ्यूचर में अगर आप अपने घर को कभी सेल आउट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो दोस्तों अगर आप एज अ एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर, कॉर्पोरेट लीडर, स्टूडेंट, इन्फॉर्मर, इन्वेस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो में पूरा बने रहना दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों होम लोन क्लोज करने के बाद में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कलेक्ट ऑल दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फ्रॉम द लेंडर, यानी कि आपका जो भी बैंक है या तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जहां से आपने होम लोन लिया हुआ था, तो होम लोन लेते समय आपने जो भी डॉक्यूमेंट उस बैंक में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में दिया हुआ था वो सारे डॉक्यूमेंट अब आपको वहां से कलेक्ट कर लेने हैं। हो सकता है उसमें आपका ओरिजिनल सेल डीड हो, टाइटल डीड हो, लोन का एग्रीमेंट हो, पावर ऑफ अटॉर्नी हो एंड हो सकता है कोई कैंसल चेक वगैरह हो। एंड दोस्तों आपने जब भी लोन लिया था उस टाइम पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट उस बैंक को दिया हुआ था तो वहां पे आपके पास में एक जेरोक्स कॉपी सारे डॉक्यूमेंट के होंगे, तो आप देख लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बैंक से लेना है। एंड यहाँ पे आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने बैंक से लिया हुआ है वो प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए, उसमें कोई पेज वगैरह मिसिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपने एक बार सारा डॉक्यूमेंट बैंक से कलेक्ट कर लिया तो बैंक आपको एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म के ऊपर साइन करने के लिए कहती है कि भाई आपने सारा डॉक्यूमेंट बैंक से कलेक्ट कर लिया है। एंड बाद में दोस्तों पता चलता है कि आपका डॉक्यूमेंट में कोई पेज वगैरह मिसिंग है तो यहाँ पे बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। एंड यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जहां पे लोगों को बाद में जब जरूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट की तब पता चलता है कि उस डॉक्यूमेंट में एक पेज मिसिंग था या तो दो पेज मिसिंग था, क्योंकि दोस्तों जब भी आप बैंक में अपने होम लोन के डॉक्यूमेंट को सबमिट करते हैं तो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, फिर हेड ऑफिस में, फिर किसी थर्ड पार्टीज के पास में जाता है, तो यहाँ पे हो सकता है कि एक आध पेज मिसिंग हो जाए। तो यहाँ पे आप सबसे पहला जब भी एक्नॉलेजमेंट फॉर्म साइन करते हैं तो उसको साइन करने से पहले एक दो बार कंफर्म कर लीजिए कि सारा डॉक्यूमेंट आपके पास प्रॉपर तरीके से आ चुका है। एंड यहाँ पे दोस्तों एक और जनरल एडवाइस है कि आप अपने बैंक को कह सकते हैं कि आपके होम लोन का जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप डायरेक्टली बैंक से ही कलेक्ट कर लेंगे, आपको पोस्ट या तो स्पीड पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि अगर बैंक आपके एड्रेस पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसको स्पीड पोस्ट या तो पोस्ट करती है तो आपके एड्रेस पे वो डॉक्यूमेंट ना पहुंचे, या तो आपने अपना एड्रेस ही चेंज कर लिया होगा, तो इस केसेस में दोस्तों आपको बैंक से पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से बैंक के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप बैंक को पहले से ही कह दीजिए कि आप जो डॉक्यूमेंट है वो डायरेक्टली बैंक के ब्रांच से ही कलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों होम लोन का सारा ईएमआई पे करने के बाद में, यानी कि होम लोन को क्लोज करने के बाद में जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑब्टेन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी, या तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट यानी कि एनडीसी फ्रॉम द लेंडर। यानी कि दोस्तों एक बार आप अपने होम लोन का सारा पैसा पे कर देते हैं उसके बाद आपको अपने बैंक से या तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना चाहिए, जिसको नो ड्यूज सर्टिफिकेट एनडीसी भी कहा जाता है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बेसिकली दोस्तों एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, इसका मतलब होता है कि आपने बैंक का सारा जो भी लोन का पैसा था वो पे कर दिया है, कोई भी होम लोन का पैसा आउटस्टैंडिंग नहीं है। ये बेसिकली दोस्तों एक प्रूफ होता है कि आपने लोन का सारा पैसा पे कर दिया है। एंड यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जहां पे लोग अपने लोन का सारा पैसा पे कर देते हैं फिर भी कभी कभी बैंक या तो एनबीएफसी कंपनी की तरफ से उस पर्सन को फोन कॉल जाता है कि आपने अपने इस लोन का पैसा पे नहीं किया है, या तो कभी कभी दोस्तों सिविल में भी रिपोर्ट होता है कि इस पर्सन ने इस लोन में राइट ऑफ किया हुआ है। तो अगर आपके पास में एनओसी सर्टिफिकेट होगा तो आप बैंक को कह सकते हैं कि भाई हमारे पास में पूरा प्रूफ है, हमने आपके लोन का सारा पैसा पे कर चुका है। एंड आप उस एनओसी को सिविल में भी रिपोर्ट कर सकते हैं एंड अगर आप कोई गलत इंफॉर्मेशन आपके सिविल डॉक्यूमेंट में छपा हुआ है तो उसको रिमूव भी करवा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कोई भी लोन लेते समय हमें तीन इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहला होता है भाई लोन लेना, उसके बाद में होता है उस लोन का पूरा पैसा पे कर देना, एंड तीसरा इंपॉर्टेंट काम होता है दोस्तों नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी लेना लोन का पूरा पैसा पे करने के बाद में। जहां पे लोग पहला और दूसरा स्टेप तो याद रखते हैं, लोन लेते हैं, पूरा पैसा पे कर देते हैं,
उसके बाद में उस लोन को भूल जाते हैं, एनओसी नहीं लेते हैं एंड बाद में इस तरीके का इंक्वायरी वगैरह आता है। एंड यहाँ पे पूरा होम लोन पे करने के बाद में जब आप एनओसी डॉक्यूमेंट बैंक या तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लेते हैं तो उस एनओसी डॉक्यूमेंट में आपका पूरा नाम, आपके प्रॉपर्टी का एड्रेस, आपका लोन अकाउंट नंबर, लोन का अमाउंट कितना था, स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट ऑफ लोन क्या था, इस तरीके का दोस्तों बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होता है। एंड जब भी फ्यूचर में अगर आप अपने प्रॉपर्टी को सेल आउट करना चाहते हैं एंड जो बायर उस प्रॉपर्टी को परचेस करेगा तो वो आपको जरूर पूछेगा कि भाई आप हमें इस प्रॉपर्टी का एनओसी दीजिए क्योंकि आपने इसके ऊपर प्रीवियसली लोन लिया हुआ था। अब दोस्तों होम लोन पे करने के बाद में जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिमूवल ऑफ राइट ऑफ लीन इफ एनी। यानी कि दोस्तों राइट ऑफ लीन का यहाँ पे सिंपल मतलब है कि आप अपने प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर सकते जब तक आप अपने होम लोन का सारा पैसा पे नहीं कर देते। एंड यहाँ पे दोस्तों बैंक आपके प्रॉपर्टी का पोजीशन ले सकती है एंड आपके प्रॉपर्टी को सेल आउट भी कर सकती है अगर आप अपने लोन का सारा पैसा पे नहीं करते हैं उस केसेस में। एंड यहाँ पे दोस्तों बैंक अगर किसी ऐसे पर्सन को लोन दे रही है जिनका क्रेडिट स्कोर उतना अच्छा नहीं हो, उस पर्सन के ऊपर बैंक को थोड़ा डाउट हो, बैंक को कस्टमर रिस्की कस्टमर लगे, तो उस केसेस में दोस्तों राइट ऑफ लीन का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको चेक करना है कि भाई आपके प्रॉपर्टी के ऊपर राइट ऑफ लीन है या नहीं है। अगर है एंड आपने अपने लोन का सारा पैसा पे कर दिया है तो आपको बैंक के एग्जीक्यूटिव के साथ में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आपका जो भी लोकल रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे जाना है एंड उस राइट ऑफ लीन को रिमूव करवाना है। तब जाके आप उस प्रॉपर्टी के एक्चुअल ओनर बनेंगे एंड उस प्रॉपर्टी के ऊपर अब किसी का पोजीशन नहीं होगा, किसी का भी अधिकार नहीं होगा क्योंकि आपने प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट भी ले लिए हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी ले लिया है एंड अगर कोई राइट ऑफ लीन है तो उस राइट ऑफ लीन को भी आपने रिमूव करवा लिया है रजिस्टर्ड ऑफिस जाके। अभी तक दोस्तों हमने अपने थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस किया कि कैसे आप अपने प्रॉपर्टी के ऊपर से लीन क्लियर करवा सकते हैं अगर आप अपने लोन का सारा पैसा पे कर देते हैं। तो अब दोस्तों एक बार लीन क्लियर होने के बाद में फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको अब अप्लाई कर देना चाहिए एक न्यू एनकमरेंस सर्टिफिकेट के लिए। ये एनकमरेंस सर्टिफिकेट क्या होता है? तो एनकमरेंस सर्टिफिकेट बेसिकली दोस्तों एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जहां पे आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है उसका सारा रिकॉर्ड उस एनकमरेंस सर्टिफिकेट में होता है। उस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है एंड अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी बैंक या तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का चार्जेस है फाइनेंशियली या तो लीगली, इस टाइप का सारा इंफॉर्मेशन एनकमरेंस सर्टिफिकेट में होता है। एंड यहाँ पे अगर कोई पर्सन नया प्रॉपर्टी परचेस करने भी जाते हैं एंड अगर आप उस प्रॉपर्टी का एनकमरेंस सर्टिफिकेट देखते हैं तो आपको उस प्रॉपर्टी के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। अब ये एनकमरेंस सर्टिफिकेट के लिए कहां जाना पड़ेगा? तो इसके लिए भी आपको रजिस्टर्ड ऑफ ऑफिस में ही जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे दोस्तों एक बार होम लोन का सारा पैसा पे करने के बाद में जब आप बैंक से एनओसी ले लेते हैं एंड आपके प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी लीन वगैरह होता है उसको क्लियर करवा देते हैं, रिमूव करवा देते हैं, उसके बाद जब आप एक न्यू एनकमरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके एनकमरेंस सर्टिफिकेट में लिख के आता है दिस प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम ऑल एनकमरेंसेस। यानी कि उस प्रॉपर्टी के अब आप ही मालिक है, इसकी गारंटी है। एंड इस तरीके का दोस्तों अगर मुझे कोई सर्टिफिकेट का इमेज मिलेगा तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अब दोस्तों होम लोन पे करने के बाद में, होम लोन क्लोज करवाने के बाद में जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है गेट योर क्रेडिट रिकॉर्ड अपडेटेड। यानी कि आपका जो भी क्रेडिट रिकॉर्ड है उसको आपको अपडेट करवाना पड़ सकता है। यहाँ पे बेसिकली दोस्तों जब भी आप किसी बैंक से या तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से कोई होम लोन लेते हैं तो आपने कितने का होम लोन लिया हुआ है, आपने कितना पेमेंट किया है, किस तरीके से किया है, इसका सारा रिपोर्ट जो बैंक है वो क्रेडिट ब्यूरो को देता है। लेकिन जब आप अपने होम लोन का सारा पैसा पे कर देते हैं तो आपके होम लोन के सामने में लिख के आना चाहिए डेट क्लोज। ये डेट क्लोज का जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कभी कभी बैंक या तो एनबीएफसी कंपनी नहीं दे पाती है या तो लेट देती है, जिसकी वजह से इसका जो रिफ्लेक्ट है डेट क्लोज का वो आपके क्रेडिट रिपोर्ट में नहीं दिखता है। तो जब भी आप होम लोन को क्लोज करवाते हैं तो 60 डेज के बाद में दोस्तों आप अपना खुद एक क्रेडिट रिपोर्ट निकलवाइए एंड उसमें देखिए कि होम लोन के सामने में डेट क्लोज लिखा हुआ है कि नहीं, यानी कि आपने कितने का होम लोन लिया हुआ है। इस तरीके का सारा इंफॉर्मेशन होगा, उसी में लिखा होगा डेट क्लोज, यानी कि अब आपने अपने होम लोन का सारा पैसा पे कर दिया है, डेट क्लोज हो गया है। अगर वो इंफॉर्मेशन लिखा है तो ठीक है, नहीं तो इसके बारे में आप बैंक को बोल सकते हैं कि भाई आप इस चीज को अपडेट करो। एंड यहाँ पे दोस्तों फाइनली अगर एक बार रिपीट कर ले कि होम लोन पे करने के बाद में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए, तो सबसे पहला आपका होम लोन का जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारा आपको बैंक से ले लेना चाहिए एंड उस एक्नॉलेजमेंट फॉर्म के ऊपर साइन करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि सारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर है कि नहीं, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग वगैरह तो नहीं है। सेकेंड चीज, आपको बैंक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी लेना चाहिए।
थर्ड चीज, अगर आपके प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लीन है तो उस लीन को रिमूव करवाइए, क्लियर करवाइए। एंड फोर्थ चीज दोस्तों, आपको एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहिए। एंड फिफ्थ चीज, आपको ये देखना चाहिए कि आपने जो लोन का पैसा पे किया है उसका इम्पैक्ट, उसका जो रिकॉर्ड है वो क्रेडिट ब्यूरो में है कि नहीं है। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर मिला होगा। एंड यहां पे दोस्तों हमने होम लोन के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, तो अगर आप कोई होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो वो सारे वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड इस वीडियो को दोस्तों अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको होम लोन चाहिए उनके साथ में। जय हिंद दोस्तों।